भूतनाथ आश्रम में बहुत ही विद्वान एक महाशय जी उपस्थित हुए हैं। इनसे बाबा के प्रति दो चार शब्द पूछते हैं कि बाबा के प्रति इनकी कितना आस्था और विश्वास है। चलिए, आप बाबा भूतनाथ के बारे में क्या जानते हैं? जय बाबा भूतनाथ। हम तो इतना जानते हैं कि बाबा भूतनाथ के शरण में जो भी व्यक्ति, जो भी श्रद्धालु भक्त तन मन धन और श्रद्धा और भक्ति से आते हैं, सभी समस्याओं से निदान पाते हैं। तो आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम हुआ राम बाबू सा। ग्राम हो गया दिवाजी तुरसौनी। थाना महसी। कितना दिन से बाबा को जानते हैं? बाबा को मोटा मोटी हम 15 साल से जानते हैं। 15 साल से? बहुत अजूबा बात है। तो आप एक बात बताइए, बाबा से लोगों का कल्याण होता है? बहुत सारे भक्तों का कल्याण हुआ है और होता है और होता रहेगा। बाबा भूतनाथ का पता कहाँ है? बाबा भूतनाथ का पता है रानीगंज मोहल्ला, वार्ड नंबर 9। तो ग्रहों के बारे में आप क्या जानते हैं? जैसे कि 9 का ग्रह 12 राशि 27 नक्षत्र हैं। ग्रह किसी को नहीं छोड़ा है, समान रूप से हर किसी को कोई ना कोई ग्रह के प्रभाव में है। ऐसे लोग भी आने से कल्याण होगा? जरूर होगा। अच्छा। हम लोग तो धर्म के प्रति कितने श्रद्धालु हैं कि धर्म के नारा भी लगाते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। तो आप बाबा जी के सहयोगी हैं, प्रेमी हैं, शुभचिंतक हैं? तहे दिल से। चलिए, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुआ। तो आप चाहते हैं कि जो भी कोई भी कष्ट में हो यहाँ आश्रम पर? हाँ, हमारी यही कामना है कि जितने भी हमारे श्रद्धालु भक्त हैं, भूत बाधा या किसी रोग या डायन जोगिन किसी भी प्रकार का समस्या है, वो हमारे बाबा भूतनाथ के पास में लेकर पहुँचे, अर्जी लगाएं, उनकी समस्त समस्याओं का समाधान होगा। एक बात बताइए, सुनते हैं कि बाबा जी दवा भी देते हैं? हाँ, दवा भी देते हैं, दवा से भी और दुआ से भी, दोनों काम है। किसी भी प्रकार का परेशानी हो? हाँ, किसी भी प्रकार का भूत है, बाधा है, घर बनवाना छनवाना है या घर का माटी चेक करवाना है या यज्ञ कराना है या किसी भी नवग्रह का जाप करवाना है, वो यहाँ होगा। सभी काम जो विश्वास करके आएंगे उसका, जो श्रद्धा भाव से आएंगे उनका 100% काम होगा। चलिए, आपका शुभ नाम क्या है? मूलन राम। मूलन जी, बाबा के प्रति आपकी क्या आस्था है? बाबा के प्रति हमको इतना अच्छा हुआ, बहुत भलाई हुआ, बहुत हमको कल्याण हुआ। मेरा घर है गाई थाना ढाका जिला पूर्वी चंपारण बिहार। तो मैंने बाबा के प्रति विश्वास है जी। आप कुछ लोगों से संदेश देना चाहते हैं कि किसी प्रकार का परेशानी है तो लोग आश्रम पर पहुँचे? जी हाँ, हम संदेश पहुँचाते रहते हैं। हमारे घर परिवार में जो भी आते हैं वो भी हंसी खुशी से चले जाते हैं, बहुत कल्याण हुआ है। हमारे पत्नी भी बहुत गंभीर रूप में परेशान थी। हाँ, परेशान थे, बीमारी से ग्रस्त थे, परेशान थे। यहाँ आए, बाबा के पास में आए, शरण में आए, यहाँ दरबार से, यहाँ बहुत सुखी संपन्न से हम लोग इलाज कराकर यहाँ से चले गए। अभी अच्छी तरह से हम लोग। हाँ, अच्छा, चलिए एक बार और थोड़ा बोलिए। जय बाबा भूतनाथ। जय बाबा भूतनाथ। चलिए, बाबा जी का ये फोटो है और बाबा जी पे बहुत आस्था है लोगों का, और ये प्रार्थना करना है जो भी श्रद्धा भाव में आश्रम पे आते हैं उनका मंगल हो, कल्याण हो और कष्टों का निवारण हो। जय बाबा भूतनाथ आश्रम, बारह चक्के रंगमला, वार्ड नंबर 9।